स्टूडेंट्स, आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट जो लेसन है वो लर्न करने जा रहे हैं। वर्ब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी कोई सेंटेंस कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो वर्ब का मेन रोल होता है। वर्ब होती क्या है? इट इज़ ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन आर स्टेट ऑफ बींग। हम जो भी कोई काम करते हैं, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, ये सारे जो काम हैं ये वर्ब हैं, जो एक्शन हैं। इवन हम सोचते हैं, सोचना भी जो है वर्ब है। जो भी हम काम करते हैं वो जो हमारा एक्शन है, ये फिज़िकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। जहाँ वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो पार्ट ऑफ स्पीच का, जो किसी की अवस्था को बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग को। वो अवस्था हमारी जो प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही गोस, यहाँ पे जो हम एक वर्ब लेते हैं, जैसे गो गो हमने जैसे पढ़ा है, ये हमारी जो है वर्ब की, इसको फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। और अगर हम इसको कर लिख दे वेंट, तो ये हमारी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और इसी तरह से यदि हम इसमें लिख दें गोन, तो ये हमारी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है जहाँ पे हमने जो लिखा है, जो ही गोस, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा है, गो के साथ। तो ये जो है ये प्रेजेंट को बता रहा है। जो जाना है ये एक एक्शन है, जहाँ पे जो गो है वो वर्ब है। और यू प्ले, आप खेलते हैं, तो प्ले क्या है? एक एक्शन है। तो प्ले जहाँ पे एक वर्ब है। शी इज़ डॉक्टर, जहाँ पे जो इज़ है जो एक वर्ब है, ये बता रही है कि आप एक डॉक्टर हैं। ये प्रेजेंट सिचुएशन बता रही है। या अगर हम कहें शी वाज डॉक्टर, इट मींस कि वो पास्ट में वो डॉक्टर थी, अब नहीं है। या शी विल गो टुमारो, वो अगले कल जाएगी। तो इट मींस कि फ्यूचर के ये बात हो रही है। तो जहाँ पे जो वर्ब है वो स्टेट ऑफ बीइंग, मैंने बोला कि अवस्था के बारे में बताती है। वर्ब या तो एक्शन के बारे में बताएगी कि वो एक्शन, या वो एक्शन किस समय हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, या फ्यूचर में हो रहा है। जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं वो जैसे द बॉय सीम्स टायर्ड, ये अवस्था को बता रही हैं, लगता है, लेकिन जहाँ पे एक्शन नहीं है। सीम जहाँ पे जो वर्ब है इसके साथ एस लगा है, ये स्टेट को बता रही है। तो इसलिए जो हमने जो जो वर्ब है ये एक्शन को बताएगी, या स्टेट ऑफ बीइंग, वो किस अवस्था के अंदर वो चीज़ है। तो इसके बाद देखिए, हाँ बच्चों, जो वर्ब है ये मेनली टू टाइप्स की होती हैं जो वर्ब्स, फाइनेट वर्ब, नॉन फाइनेट वर्ब। और अगर हम फाइनेट वर्ब की बात करें, तो ये फाइनेट वर्ब थ्री टाइप्स की होती हैं, प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये आगे टू टाइप्स की होंगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फिर नॉन फाइनेट वर्ब्स ये तीन टाइप्स की होती हैं, इसके तीन टाइप्स हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। आगे जो पार्टिसिपल हैं ये तीन टाइप्स के होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसको समझने के लिए आगे हम डिटेल से जाते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फाइनेट वर्ब क्या है। तो फाइनेट जो वर्ब है ये है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। वो वर्ब जो है जो टेंस या नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उस तरह की वर्ब को हम फाइनेट या मेन वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक वर्ब का हमने यूज़ किया है लाइक। अगर हम लाइक की बात करें, तो लाइक की जो वर्ब है ये लाइक, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे इसको, लाइक को। और अगर मैं इसके साथ ईडी लगा दूं, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म भी इसकी जो है यही होती है, लाइक्ड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें
मैंने लिखा है आई लाइक चॉकलेट, तो मुझे चॉकलेट पसंद हैं। लेकिन अगर यहाँ पे उसे चॉकलेट पसंद हैं तो ही लाइक्स चॉकलेट, तो लाइक का ई एस लग गया। अब जहाँ पे देखिए जो आई है, आई का की जगह अगर हमने ही का यूज़ किया है तो इट मीन्स हमने पर्सन चेंज किया। जहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पर्सन था आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ही, शी, इट, दे, देयर, देम, ये थर्ड पर्सन होता है, तो ही थर्ड पर्सन है। जैसे ही फर्स्ट का थर्ड पर्सन बना तो वर्ब चेंज हो गई, लाइक का लाइक्स बन गया। तो ऐसी वर्ब जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो होती है फाइनेट वर्ब। या आगे देखिए, फिर आगे लिखा है आई लाइक्ड चॉकलेट। अब देखिए लाइक्ड, मुझे चॉकलेट पसंद थी, तो अब नहीं पहले थी, इट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है, टेंस की बात हो रही है। जो टेंस है ये टाइम जो है, अगर प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम है। तो जहाँ पे देखिए जी पास्ट की बात हो रही है, मुझे चॉकलेट पसंद थी, तो आई लाइक्ड, तो वर्ब बदल गई। तो ऐसी वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, जहाँ पे लाइक और लाइक्स ये प्रेजेंट की बात हो रही थी कि मुझे चॉकलेट पसंद है, उसे चॉकलेट पसंद है, हाँ जब वो, हाँ वह चॉकलेट पसंद करता है, मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ, जी प्रेजेंट की बात हो रही है। आई लाइक्ड चॉकलेट, मुझे जो चॉकलेट पसंद थी, मुझे चॉकलेट अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे ये पास्ट की बात हो रही है, वर्ब बदल गई अकॉर्डिंग टू द टेंस। आगे देखिए दे लाइक चॉकलेट, जहाँ पे देखिए ही लाइक्स चॉकलेट, ही क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, जी सिंगुलर होता है, एक वचन है। और दे क्या है थर्ड पर्सन का प्लूरल है, मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर। जैसे ही ये नंबर बदला, बहुवचन बदला, ये देखिए यही सिंगुलर था, एक वचन था, जैसे ये बहुवचन हुआ, ही का दे बना, तो जो है लाइक्स की जगह लाइक हो गया। तो ऐसी वर्ब याद रखेंगे जो टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो, उस वर्ब को हम जो कहते हैं वो फाइनेट वर्ब कहलाती है। आगे देखिए नॉन फाइनेट वर्ब, इट डज़ नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जो ना तो टेंस, ना नंबर, ना सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो, इस तरह की वर्ब को हम जो कहते हैं नॉन फाइनेट वर्ब कहते हैं। तो देखिए जैसे आई लाइक, तो जहाँ पे आई सब्जेक्ट है और लाइक जो है आपकी ये मेन वर्ब है जिसको हम फाइनेट वर्ब बोलेंगे, ये चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू, हमने अभी देखा है नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन आई लाइक प्लेइंग गेम्स, जहाँ पे प्लेइंग गेम्स, जहाँ पे पी एल ए वाई और इसके साथ आई एन जी जुड़ा है, प्लेइंग गेम्स, तो जहाँ पे जो प्लेइंग है ये नॉन फाइनेट वर्ब है, ये चेंज नहीं होगी। जैसे आई की जगह हमने क्या कर दिया, ही लाइक्स प्लेइंग गेम्स, अगर आई की जगह हमने ही कर दिया, जहाँ पे देखिए हमने जो है ये फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट की जगह हमने थर्ड पर्सन यूज़ कर दिया, तब भी ये यही रहेगा। अगर हम जहाँ पे सेकंड पर्सन भी यूज़ कर दें, यू लाइक प्लेइंग गेम्स, तब भी ये प्लेइंग चेंज नहीं होगा। तो ऐसी वर्ब जो चेंज ना हो, ना तो टेंस के अकॉर्डिंग, ना नंबर के अकॉर्डिंग, ना पर्सन के अकॉर्डिंग, उस तरह की वर्ब को हम जो कहते हैं नॉन फाइनेट वर्ब्स। जैसे हम टेंस की बात भी करें, जैसे देखिए अगर हम इसी को अगर हम पास्ट में कन्वर्ट करें, आई लाइक प्लेइंग गेम्स, मुझे गेम्स खेलना अच्छा लगता है, ये प्रेजेंट की बात है, अगर मुझे गेम्स खेलना अच्छा लगता था, तो ये पास्ट की बात है, तो इसकी जो इंग्लिश होगी ही लाइक्ड प्लेइंग गेम्स। तो जहाँ पे देखिए टेंस बदल गया लेकिन प्लेइंग नहीं बदला, तो जो प्लेइंग है ये हमारी नॉन फाइनेट वर्ब है। कैसी वर्ब, जो चेंज नहीं हुई, चाहे हमने टेंस बदला, चाहे हमने पर्सन बदला, चाहे हमने सब्जेक्ट बदला। तो आगे देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल या लेक्सिकल या मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस के अंदर एक्शन को व्यक्त करती है, काम को व्यक्त करती है, ये मेन वर्ब का काम करती है सेंटेंस के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए ही गेव मी ए बुक, हम देखिए गिव की जो गिव गेव गिवन, गिव हमारे जो है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है गिव, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, गिव गेव और गिवन, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो देखिए गिव हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये हमारी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ही गेव मी ए बुक, यहाँ पे वो उसने मुझे एक किताब दी,
तो देना क्या है, एक्शन है, किताब को वापस करना एक एक्शन है, किताब को देना, ये मेन वर्ब को एक्सप्रेस जो है एक्शन को व्यक्त कर रही है, तो ये है मेन वर्ब। जैसे ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई, एक कहानी बताई, तो जो टोल्ड है जहाँ पे देखिए ये हमारी जो है मेन वर्ब है, क्योंकि ये मेन एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद देखिए लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जो एक सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को किसी वर्ड या फ्रेज से कनेक्ट करती हैं और उसके सब्जेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती हैं। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट्स ऑफ ए सेंटेंस टू ए वर्ड और फ्रेज एंड गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे है सब्जेक्ट, इसके जो स्ट्रक्चर होती है लिंकिंग वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। अगर जहाँ से मैं अगर देखिए यहाँ पे हाँ लिंकिंग वर्ब को हटा दूँ तो वो जो ये है सेंटेंस अधूरा रहेगा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, मतलब लिंक करती हैं सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट से हम कहते हैं, या उसके सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट से जो सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड्स या फ्रेज हैं उनसे जो लिंक करने का काम करते हैं। अगर हम इनको निकाल दें तो जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हमारा होगा जिनसे जो लिंक करती हैं वो हमारा नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। पार्टिसिपल हम आगे सीखेंगे कि पार्टिसिपल क्या है। तो देखिए लिंकिंग वर्ब्स जो होती कैसी हैं, जैसे बी फॉर्म, बी जो एक वर्ब है, बी की जो प्रेजेंट वर्ब है ये है इज एम आर, और पास्ट इसकी जो वर्ब है बाज वर, और जो है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो इसकी होती है बीन, इसको हम कैसे लर्न करते हैं, बी बाज बीन। प्रेजेंट इसकी हुई इज एम आर, पास्ट हुई इसकी बाज वर, और पास्ट पार्टिसिपल हुई बीन। बिकम, लुक, सीम, ग्रो, टेस्ट, अपियर, फील, गेट, ये सारी की जो सारी हैं ये लिंकिंग वर्ब हैं, इनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता। जैसे मेन वर्ब, जैसे हमने पढ़ा था प्रिंसिपल वर्ब, वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, ये एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, ना स्टेट को बताएंगी, ना किसी अवस्था को बताएंगी, नो डायनामिक, ना ये मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। जो लिंकिंग वर्ब हैं ये किसी भी जो है मोशन को भी एक्सप्रेस नहीं करती हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी लुक्स हैप्पी, वो खुश दिखती है। लुक्स, अगर मैं जहाँ से लुक्स को हटा लूँ तो शी हैप्पी, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। अगर मैं जहाँ पे लुक्स रख दूँ तो ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रही हैं, कनेक्टर का काम कर रही हैं, जोड़ती हैं। आगे देखिए दे आर फ्रेंड्स, आर जो जहाँ पे है, जो आर जो हमारी है ये लिंकिंग वर्ब है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये जो है सब्जेक्ट को जो है हमारी जो है लिंक करती हैं, लिंकिंग वर्ब हमारी जो है। तो अगर जहाँ से मैं आर को उठा लूँ तो दे आर फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे तो दे फ्रेंड्स सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आर जो जहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। आगे देखिए यू सीम टायर्ड, आप थके लगते हैं, जहाँ से अगर देखिए हम सीम को उठा लें तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया, कोई सेंस नहीं बन रही है, यू टायर्ड। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं, देयर आर सम वर्ब्स विच एक्ट लाइक लिंकिंग वर्ब्स, जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं बट शो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ऐसी वर्ब्स को हम कॉपलर वर्ब कहते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब का तो काम कर रही हैं, इनके अंदर एक एडिशनल फीचर होता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को दर्शाती हैं। इस तरह की वर्ब को हम कॉपलर वर्ब्स कहते हैं। मतलब कॉपलर वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब ही होती हैं, लेकिन इनके अंदर एक एडिशनल फीचर होता है लिंकिंग वर्ब्स के बजाय, वो कौन सा फीचर होता है कि ये जो है परिवर्तन को दर्शाती हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था का जो परिवर्तन है उसको दर्शाती हैं। जैसे रानी बिकेम डॉक्टर, रानी डॉक्टर बन गई, इट मीन्स कि जो रानी है, बिकेम जहाँ पे जो है कॉपुलर वर्ब है, देखिए लिंकिंग वर्ब भी है ये, बिकेम को हटा दो तो ये इनकम्प्लीट हो गया, बिकेम मतलब लिंक कर रहा है। अब बिकम, बिकेम, बिकम, तो बिकेम जो है ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, बिकेम जो है रानी को डॉक्टर से लिंक कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है। लेकिन जहाँ पे ये देखिए जी, ये बता रहा है कि रानी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रानी पहले स्टूडेंट थी, फिर वो पढ़ी, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की, एमबीबीएस किया होगा तो वो डॉक्टर बन गई, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका। ऐसी वर्ब जो परिवर्तन को दर्शाएं,
एक अवस्था से दूसरी, ऐसी वर्ब्स को हम स्टूडेंट्स जो है कॉपुलर वर्ब्स कहते हैं। कॉपुलर वर्ब्स ये आप सीखेंगे कॉपुलर वर्ब्स। फिर देखिए आगे देखिए, आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आई एम फीलिंग गुड, तो जहाँ पे फील करना, महसूस करना, अगर आई एम फीलिंग को हटा दो गुड, तो फीलिंग क्या है, ये यहाँ पे कॉपुलर वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी है। लेकिन कॉपुलर वर्ब ये कैसे बनी, क्योंकि पहले मीन्स कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो इटली ये क्या हुई, कॉपुलर वर्ब है। तो जहाँ पे आप एक बात को याद रखेंगे, जितनी भी कॉपुलर वर्ब्स हैं वो सारी की सारी लिंकिंग वर्ब्स हैं, लेकिन सारी लिंकिंग वर्ब्स कॉपुलर वर्ब्स नहीं हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक जब हम लिंकिंग वर्ब्स की बात करते हैं या कॉपुलर वर्ब की बात करते हैं, क्योंकि लगभग दोनों एक ही होती हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती हैं कॉपुलर वर्ब्स। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि जब आप कोई एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे कॉमन एरर के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद क्या एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा या एडवर्ब आएगा। तो देखिए जहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, ही अपीयर्स इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली ये एक एडवर्ब है, ही अपीयर्स इंटेलिजेंट। अब बात ये है कि कौन सा सेंटेंस ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बात को जो ध्यान रखेंगे, लिंकिंग वर्ब्स के बाद हमेशा या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, एडवर्ब कभी नहीं आती। तो इंटेलिजेंटली एडवर्ब है, इट मीन्स ये सेंटेंस गलत है, इसको ये हमारा सेंटेंस गलत है, और इंटेलिजेंट ठीक है। तो इट मीन्स कि जो है ही अपीयर्स इंटेलिजेंट, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इट इज़ यूज टू हेल्प मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है, जो मेन वर्ब की सहायता के लिए प्रयोग की जाती है, एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इन अकॉर्डेंस विद द टेंस आर मूड, ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ यूज की गई हो उसकी एक सहायक क्रिया के रूप में, टेंस के अनुसार, या जो है स्पीकर का मूड को व्यक्त करें, इस तरह की वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन, दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं ये हमेशा हैं मेन जो है मेन वर्ब की हेल्प करती हैं और टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होती हैं। तो कुछ प्राइमरी वर्ब्स हैं बी, बी इज, एम आर, बाज वर्ब, बी की जो फॉर्म है, डू की फॉर्म डू डस डिड, और हैव की फॉर्म हैज़ हैव हैड, ये सारी की सारी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनको हम मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं और ये मेन वर्ब के साथ अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद आती हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये जो हैं स्पीकर का जो है मूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे देखिए दे आर प्लेइंग, जहाँ पे देखिए प्ले, प्ले के साथ हमने जो है आई एन जी जोड़ा है, प्ले के साथ, तो प्ले के साथ हमने आई एन जी जोड़ा है, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारी जो है मेन वर्ब है, लेकिन जहाँ पे हमने आर का यूज़ किया है, देखिए हाँ एक मिनट, हाँ तो आर का, हाँ तो देखिए हमने यहाँ पे आर का यूज किया है, जो आर है ये हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब है आर, और ये मेन वर्ब है दे आर प्लेइंग। यहाँ पे देखिए अगला सेंटेंस है आई हैव ए डॉग, यहाँ पे अब हैव हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हैव जो है मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वही वर्ब होती है या ऑक्सिलरी वर्ब वही होती है जो मेन वर्ब के साथ यूज़ है। लेकिन जहाँ पे आई हैव ए डॉग, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ना कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। आगे देखिए आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश जो है फिनिश के साथ ई डी लगा है, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ हैव लगा है, जहाँ पे जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है,
ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, जहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में हैव जो था मेन वर्ब है। आगे देखिए आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम भी करता हूँ, जोर देकर कह रहा है ये। तो डू जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जहाँ पे डू जो है आपकी जो है डू मेन वर्ब है। फिर देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हाँ मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं मूड व्यक्त करने के लिए, जो है स्पीकर का मूड एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसी वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।